जीनियस कैसे बनते हैं? क्या ये जन्म के टाइम पे ही तैयार होते हैं अमेजिंग डीएनए के साथ, या वो हमारी परवरिश के ऊपर डिपेंड करता है, और या फिर दोनों? लैज़लो पोलगर हंगरी के एक एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट का मानना था कि हम किसी को भी जीनियस बना सकते हैं, वो भी परवरिश से। ये सुन के बहुत लोग उन पे हंसे और एक गवर्नमेंट ऑफिशियल ने तो उनको ये तक कह दिया कि उन्हें मेंटल इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लेना चाहिए। और इस बात के 30 साल बाद उनकी तीनों बेटियां चेस ग्रैंड मास्टर्स बनी अपने फादर यानी कि लैज़लो की गाइडेंस में। लैज़लो ने चाइल्ड प्रोडिजीज पे काफी स्टडी किया था अपने यूनिवर्सिटी टाइम के दौरान, सोक्रेटिस से लेकर आइंस्टाइन तक। और उनकी फाइंडिंग के हिसाब से इन सब में एक चीज कॉमन था, इन सब ने बहुत ही कम उम्र में अपनी रिस्पेक्टिव फील्ड में स्टडी करना शुरू कर दिया था। लैज़लो का ये मानना था कि अगर वो सही तरीके से बच्चों को बड़ा करेंगे तो वो ज़रूर जीनियस बनेंगे, और उन्होंने ये ठान लिया कि वो ये थ्योरी प्रूव करके दिखाएंगे। पर कौन अपने बच्चों को ऐसे एक्सपेरिमेंट में शामिल करेगा? तो उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट अपने ही बच्चों के ऊपर करने की सोची और फिर अपने लिए पार्टनर ढूंढने लगे। फाइनली उनको मिली क्लारा, जिन्होंने बहुत दिलचस्पी दिखाई उनके रिसर्च में और इस एक्सपेरिमेंट के लिए मान गई, और फिर उन दोनों की शादी हो गई 1965 में। उनकी पहली बेटी थी सूजन, और 4 साल की उम्र में एक्सपेरिमेंट शुरू कर दिया गया। पर जीनियस बनाए तो किस सब्जेक्ट में बनाए? लैज़लो ने तय किया कि बच्ची को किसी ऐसे सब्जेक्ट में मास्टर बनाएंगे जो मेजरेबल हो। वो मैथमेटिक्स और बिजनेस सोच रहे थे, पर सूजन ने अपना इंटरेस्ट खुद ही चूज किया, चेस। बचपन में एक बार वो खेलते खेलते कबर्ड के पास चली गई और उसमें से एक डब्बा निकाल कर उससे खेलने लगी, और वो चेस बोर्ड था। अब लैज़लो, जिनको चेस आता तो था पर वो बस एक एमेच्योर प्लेयर थे, और मदर क्लारा को चेस का ABC भी नहीं पता था, तो लैज़लो ने चेस पे बुक्स पढ़ना शुरू कर दिया। इस तरह चेस के टेक्निक और ट्रिक्स के बारे में सूजन को सिखाना शुरू कर दिया। लैज़लो ने अपनी बेटी को वर्ल्ड चैंपियन बनाना था, पर उस समय वर्ल्ड के टॉप चेस प्लेयर्स में 1% से भी कम फीमेल प्लेयर्स होती थी। बॉबी फिशर, एक चेस वर्ल्ड चैंपियन, ने कहा था कि वो किसी भी फीमेल प्लेयर के साथ एक पीस कम में खेल के भी जीत सकते हैं। बहुत जल्द ही सूजन चेस अच्छा खेलने लगी और अपने पापा को हराने लगी, और अब उन्हें दूसरे अच्छे प्लेयर्स चाहिए थे प्रैक्टिस के लिए। तो वो वहाँ बुदापेस्ट के चेस क्लब में उसे लेकर गए, जहाँ बाकी सारे आदमी थे। सूजन अकेली एक लड़की होती थी, एक्चुअली एक बच्ची। देखते देखते वो अपने से बहुत बड़े उम्र के प्लेयर्स को हराने लगी, और वो अपने शहर बुदापेस्ट के अंडर 11 टूर्नामेंट जीती। तब सूजन की उम्र कुछ 5 साल की थी। 12 साल की उम्र में वो वर्ल्ड अंडर 16 जीती। 15 साल की उम्र में टॉप रेटेड फीमेल चेस प्लेयर इन द वर्ल्ड बनी, और 22 साल की उम्र में उन्हें ग्रैंड मास्टर का टाइटल मिला। पर ये स्टोरी का सिर्फ एक साइड था। लैज़लो की दो और बेटियां हुई बाद में, सोफिया और जुडिथ, और अगर उनकी थ्योरी सही है तो उन दोनों को भी ग्रैंड मास्टर बना सकते थे वो। उनकी बाकी दो बेटियों ने भी बचपन से ही चेस में रुचि दिखाई, क्योंकि पापा बड़ी दीदी को एक कमरे में लेके जाते थे और दिन भर सिखाते रहते थे, और उस रूम में किसी का जाना अलाउड नहीं था। जब बाकी दोनों सिस्टर्स ने उस कमरे में जाने की कोशिश की तो पापा ने कहा कि तभी वो आ सकती हैं जब वो चेस खेलना सीख जाएंगी। तो देखते ही देखते वो दोनों चेस सीख गईं। लैज़लो अपनी कम्युनिस्ट गवर्नमेंट से लड़के तीनों लड़कियों को खुद ही पढ़ाते थे अपने घर में, होम स्कूलिंग। उनका रोज का स्केड्यूल होता था दिन के 5 से 8 घंटे चेस खेलना, कुछ घंटे लैंग्वेज और हिस्ट्री की पढ़ाई करना, और एक फिजिकल एक्सरसाइज स्विमिंग या टेबल टेनिस, ताकि माइंड के साथ बॉडी भी फिट रहे, और 20 मिनट जोक शेयर करना ताकि उनका अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर भी हो। वुमेन्स चेस ओलंपियाड एक वर्ल्ड टूर्नामेंट जो हर 2 साल में एक बार होता है। हर देश यहाँ अपने 4 प्लेयर्स भेजती है, और मल्टीपल इंडिविजुअल प्लेयर्स के बीच कॉम्पिटिशन के बाद विनर्स को डिसाइड किया जाता है। 1988 में हंगरी की टीम में 3 पोलगर बहनें और एक और लड़की थी। इसे देख के जर्नलिस्ट को लगा कि ये फैमिली वेकेशन पे है, तो ये एक साइड स्टोरी होगी। पर देखते ही देखते हंगेरियन टीम मैच के बाद मैच जीती गई और फाइनली चैंपियनशिप भी, और ये दुनिया को चौंका दिया, क्योंकि लास्ट 30 साल से सोवियत टीम का अनब्रोकन रिकॉर्ड था। जो साइड स्टोरी होने वाली थी वो अब मेन स्टोरी बन गई। तीनों बहनों में छोटी बहन जुडिथ सबसे तेज थी। उसने 7 साल की उम्र में 15 लोगों के साथ एक ही टाइम पे चेस मैच खेला और सब जीत गई, और उसके बाद वो चेस मैचेस आंख बंद करके भी जीत रही थी, लिटरली। इसे ब्लाइंड फोल्डेड चेस बोला जाता है,
कि एक प्लेयर अपनी आंखें बंद करता है और दूसरे प्लेयर की आंखें जनरली ओपन होती हैं, तो ब्लाइंड प्लेयर को पूरा बोर्ड और पीसेस का लोकेशन अपने दिमाग में ही याद रखना पड़ता है और साथ ही साथ नेक्स्ट मूव को और पॉसिबल मूव्स को प्लान भी करना पड़ता है। जब वो अपने से बहुत बड़े उम्र के आदमियों को हराती थी तो वो कुछ ना कुछ बहाना मार देते थे, ओह मेरी आज तबीयत ठीक नहीं है ना, या फिर रात को ठीक से सोया नहीं, या कुछ और। तो एक दिन जूडिथ अपने पापा को देख के मुस्कुरा के बोली, अब तक मैंने एक भी पूरे स्वस्थ आदमी को नहीं हरा पाया। जूडिथ का एक गेम देखने के बाद वर्ल्ड चैंपियन कास्परोव ने एक जर्नलिस्ट को जवाब देते हुए कहा, शी वुड बिकम वर्ल्ड चेस चैंपियन फॉर श्योर बट बीटिंग मी इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। 15 साल की उम्र में जूडिथ यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर बनी बॉबी फिशर के रिकॉर्ड तोड़ते हुए। वो करीब अपने पूरे करियर में वर्ल्ड नंबर 1 फीमेल प्लेयर की रैंकिंग पे थी। वो अकेली फीमेल प्लेयर थी जिसने एक करंट वर्ल्ड चैंपियन को हराया था और इन टोटल 11 वर्ल्ड चैंपियन को हराया, जिनमें जाने माने नाम थे जैसे गैरी कास्परोव, एंटोन कारपोव और अपने भारत के विश्वनाथन आनंद। उन्हें स्ट्रॉन्गेस्ट फीमेल प्लेयर एवर कंसिडर किया जाता है। वो अकेली ऐसी फीमेल प्लेयर थी जिन्हें इतना हाईएस्ट स्कोर मिला। बीच की बहन बाकी दोनों जितना नहीं कर पाई पर वो भी काफी सक्सेसफुल रही। वो वुमेन्स ग्रैंड मास्टर बनी, जूडिथ वर्ल्ड नंबर 1 प्लेयर बनी और सूजन वर्ल्ड नंबर 2। ये सब अकम्प्लिश करने के बाद लैज़लो को अपने ये एक्सपेरिमेंट और आगे कंटिन्यू करना चाहते थे। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि चेस एक वाइट नेल डोमिनेटेड गेम है, इसको चैलेंज करने के लिए अब तक मैंने 3 वुमेन प्लेयर्स दिए हैं, अब मैं 3 अफ्रीकन बच्चों को गोद लेके उन्हें चैंपियंस बनाऊंगा। पर ये हो नहीं पाया क्योंकि उनकी वाइफ क्लारा ने मना कर दिया। लैज़लो के इस एक्सपेरिमेंट को सपोर्ट करने वाले भी हैं और क्रिटिसाइज करने वाले भी। सपोर्ट करने वाले उन्हें द ग्रेट मैजिशियन हाउडूनी कहते हैं और क्रिटिसाइज करने वाले फ्रैंकस्टाइन, एक मॉन्स्टर। तो अब आप बताइए, जीनियस कैसे बनते हैं? क्या जन्म से ही तैयार होते हैं या हमारी परवरिश के ऊपर डिपेंड करता है, या फिर दोनों? नीचे कमेंट्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। अगली बार जब कोई बोले कि वो मेरे से नहीं होगा, या उसका स्किल मुझ में नहीं है, या उस टैलेंट के साथ मैं पैदा ही नहीं हुआ, तो उन्हें ये कहानी ज़रूर सुनाइएगा। वैसे इस कहानी को सुनने से आपको कुछ और भी याद आ रहा होगा, है ना? अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारा सीक्रेट ऑफ सक्सेस वीडियो पक्का देखिए, जो बच्चों में सेल्फ कंट्रोल और सक्सेस का रिलेशन बताता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग, क्योंकि हम बेहतर तो कल बेहतर।